बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। वीवर, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी और बैंगन का मिक्स सालन, जो हमने बिल्कुल फ्रेश भिंडियाँ और बैंगन लिए हैं, अपने बगीचे से तोड़े हैं। तो आइए हमारे साथ रहिए, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और बहुत ही सादा और आसान तरीके से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीवर, ये मेरा छोटा सा बगीचा है, इसमें मैंने भिंडियाँ, कद्दू, बैंगन और पुदीना वगैरह और भी दूसरी सब्जियां लगाई थी। मैं थोड़ा सा बिजी था, इसको टाइम नहीं दे सकता। इसमें ज़्यादा सब्जियां वो खुशक हो गई हैं, खराब हो गई हैं, थोड़ी सी ये बची हैं। तो अब इसको मैं पानी भी इसको लगाया और स्प्रे भी इसको मैं भी करूँगा, इसकी सफाई करूँगा, घास वगैरह जो है इसका काटूँगा। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बैंगन लगे हैं, भिंडियाँ जो आज मैं फ्राई करूँगा इनको, और ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सादा तरीके से और आसान जो है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये भी पुदीना है। मेरा बगीचा अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। ये ग्रीन चिली के दो पौधे बचे हैं। इवर, यहाँ पर हमने भिंडियाँ और बैंगन हमने इकट्ठे काट लेने हैं। इसके अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक भी हमने इकट्ठा इसके एक ही जगह पे हमने सारा कुछ काट लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी लिया है, इसके अंदर जो है हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमने जितना भी मिक्स मटेरियल सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको हमने हल्की आँच पर भूनना है। वीडियो के एंड तक देखना है आपने। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम आपने ज़्यादा देना है, क्योंकि लो आंच की वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी जो है बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने जो है सब्ज़ मिर्च, रेड मिर्च और नमक जो है ऐसा इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको हमने पानी नहीं लगाना, सिर्फ घी के अंदर ही हमने जो है ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।